हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे ज्योग्राफी का नेक्स्ट चैप्टर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़। सबसे पहले तो हम ये समझते हैं कि मैन्युफैक्चरिंग क्या होती है। तो मैन्युफैक्चरिंग से आप सभी जानते हैं, मैन्युफैक्चरिंग का मतलब है रॉ मटेरियल को कन्वर्ट करना फिनिश गुड में या इंटरमीडिएट गुड में, कुछ नया बनाना। इसे हम क्या कहते हैं, मैन्युफैक्चरिंग विद द हेल्प ऑफ टूल्स एंड टेक्नोलॉजी। तो इसे लिखेंगे कैसे एग्जाम में, देख लीजिए। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग रॉ मटेरियल इनटू यूजफुल गुड्स विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मशीन इज नोन एज मैन्युफैक्चरिंग। सिंपल है ये। इसके बाद मैन्युफैक्चरिंग होती कहाँ पर है, मोस्टली इंडस्ट्रीज में। तो सबसे पहले हम देखते हैं अब इसके बाद व्हाट इज एन इंडस्ट्री, इंडस्ट्री क्या होती है। एन इंडस्ट्री इज अ ग्रुप ऑफ कंपनीज विच प्रोड्यूसेस सिमिलर गुड्स और सर्विसेज। या तो गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस कर रही होगी सिमिलर टाइप की, जहाँ पर एक साथ कई कंपनियाँ। इंडस्ट्री, इसके बाद हम देखते हैं थ्री फिजिकल फैक्टर्स। अब इंडस्ट्री सेटअप करने के लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं या कौन से रीजंस रिस्पॉन्सिबल होते हैं, उनके बारे में देखते हैं। एनी थ्री फिजिकल, क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, एनी थ्री फिजिकल फीचर फॉर द लोकेशन ऑफ द इंडस्ट्री। कोई भी इंडस्ट्री सेटअप करने से पहले हम किन किन चीज़ों को वेरीफाई करते हैं या किन किन चीज़ों की अवेलेबिलिटी को इंश्योर करते हैं, वो यहाँ पर बताना है। तो सबसे पहला पॉइंट है अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल, यानी कि जिस चीज़ से हमारा प्रोडक्ट बनेगा वो चीज़ वहाँ पर, वो रॉ मटेरियल वहाँ पर अवेलेबल है या नहीं। एग्जांपल के लिए जैसे कॉटन इंडस्ट्री या टेक्सटाइल इंडस्ट्री हो गई, तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए हमें क्या चाहिए, कॉटन चाहिए। तो कॉटन हमारा सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, ब्लैक सॉइल में, जो कि पाई जाती है गुजरात और महाराष्ट्र में। तो कॉटन इंडस्ट्री सारी कहाँ कॉन्सेंट्रेटेड होगी, जहाँ पर उसके लिए रॉ मटेरियल पाया जा रहा है। क्योंकि अगर सपोज़ हम कॉटन इंडस्ट्री अब जम्मू कश्मीर में लगाते हैं, तो राजस्थान के रास्ते गुजरात से होकर कॉटन जम्मू कश्मीर तक ले जाने में और वहाँ पर फिनिश प्रोडक्ट बनाने में ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बहुत ज़्यादा हो जाएगी। समझ में आया। इसीलिए हम लोग प्रॉक्सिमिटी यानी समीपता जो है, नज़दीकी जो है, वो रॉ मटेरियल के पास में ही रखते हैं। इसके बाद सेकंड है चीप लेबर। अब सपोज़ हमें रॉ मटेरियल तो मिल गया लेकिन वहाँ पर काम करने के लिए लोग नहीं हैं, तो लेबर हम कैसे लाएंगे। लेबर लाने में, माइग्रेशन में, लोगों के रहने की व्यवस्था करने में बहुत ज़्यादा पैसा फिर से खर्च हो जाएगा। ये सारी चीज़ें जो है प्रोडक्ट के कॉस्ट को कम से कम रखने के लिए की जा रही है बेटा, ठीक है। तो अगर लेबर पास में ही अवेलेबल होगा, जैसे कि गुजरात महाराष्ट्र में है, बिहार यूपी में हो गया, तो प्रोडक्ट का कॉस्ट क्या रहता है, कम रहता है, ठीक है। तो लेबर की अवेलेबिलिटी भी बहुत ज़रूरी है। कोई भी इंडस्ट्री अगर सेटअप कर रहे हो तो ऐसी जगह पर करेंगे जहाँ पर लोग या काम करने वाले लोग आसानी से मिल जाएं। थर्ड पॉइंट कह रहा है सूटेबल क्लाइमेट। क्लाइमेट बहुत ज़रूरी है। फिर से एग्जांपल हम लेते हैं कॉटन का। क्लास 8 में हम लोगों ने पढ़ा था टेक्सटाइल इंडस्ट्री या कॉटन इंडस्ट्री के लिए हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट का होना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो धागा जब बनाया जाता है तो वो चटक जाता है, टूट जाता है। लेकिन अगर हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट रहेगा तो धागा टूटता नहीं है, ईजिली बन जाता है। प्लस जो कॉटन की क्रॉप होगी, जो कॉटन की फसल होती है, उसे ग्रो करने के लिए भी सेम क्लाइमेट चाहिए होता है। तो बहुत ज़रूरी है क्लाइमेट का सूटेबल होना और वर्किंग क्लाइमेट होना बहुत ज़रूरी है। अगर गर्मी या ठंड बहुत ज़्यादा होगी तो लेबर ठीक से काम भी नहीं कर पाएंगे। फोर्थ पॉइंट कह रहा है रेडी मार्केट। प्रोडक्ट बनने के बाद में उसे बेचना भी तो होगा। बेचने के लिए सपोज़ अगर हमें दूसरे कॉन्टिनेंट या दूसरे देश में जाना पड़ रहा है तो फिर से ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बहुत ज़्यादा हो जाएगी। इसलिए हम सब कोशिश करते हैं कि वो जो मार्केट जहाँ पर लोग ईजिली मिल जाएँ उस सामान को परचेज़ करने के लिए, ऐसी मार्केट के पास में ही रखें। जैसे अब एग्ज़ाम्पल लेते हैं चाइना और इंडिया का। चाइना में सारे मोबाइल मैन्युफैक्चर हो रहे हैं, क्यों, क्योंकि वहाँ पर चीप लेबर, क्लाइमेट अच्छा मिल रहा है, प्लस पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है कि चीज़ खरीदने वाले लोग भी आसानी से मिल जाते हैं इंडिया और चाइना में। तो रेडी मार्केट वही कहा जाएगा जहाँ पर पॉपुलेशन ढेर सारी होगी चीज़ों को कंज्यूम करने के लिए, प्रोडक्ट्स को खरीदने के लिए। लास्ट पॉइंट इसमें कह रहा है पावर सप्लाई। कोई भी इंडस्ट्री आपको पता है बेटा बिना पावर के, यानी इलेक्ट्रिसिटी या कोल के नहीं चलती है। क्योंकि आप आज के टाइम पर सारी मशीन, सारी इंडस्ट्री जो है वो मैकेनिकल हो गई हैं, मशीन्स के थ्रू ही हो गई हैं, ऑटोमेटिक मशीन्स के थ्रू हो गई हैं। तो बिना इलेक्ट्रिसिटी के या एनर्जी के कोई भी इंडस्ट्री रन नहीं कर सकती है। इसलिए हम इंश्योर करते हैं कि पावर सप्लाई भी वहाँ पर ईजिली होती रहे। इसे हम माइंड मैप से समझते हैं, ईजिली आपकी याद में रह जाएगा। तो फैक्टर्स फॉर इंडस्ट्रीज़, सबसे पहले ट्रांसपोर्टेशन अच्छा होना चाहिए जिससे चीज़ें लाने ले जाने में आसानी हो, रॉ मटेरियल आसानी से पहुंच जाए इंडस्ट्री में और इंडस्ट्री से फिनिश गुड जो है वो आसानी से मार्केट में पहुंच जाए।
सेकंड है लैंड एरिया। लैंड एरिया बहुत ज़रूरी है। एग्जांपल हम आपको बताएं, जब टाटा नैनो कार बननी थी तो पहले टाटा जी ने जो है वो तमिलनाडु सरकार से कहा कि हमें लैंड दे दो अच्छी, जहाँ पर हम कंस्ट्रक्शन कर सकें, लेकिन गवर्नमेंट पॉलिसीज फेवरेबल नहीं रही और वो लैंड वहाँ पर उन्हें छोड़नी पड़ी और फाइनली वो प्लांट कहाँ पर लगाया, गुजरात में उन्होंने। तो लैंड एरिया बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बिना लैंड के हम सारा जितना वर्क प्रोसेस है, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है, वो करेंगे कहाँ पर। तो लैंड बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी इंडस्ट्री के लिए। थर्ड पॉइंट कह रहा है पावर सप्लाई, जो हमने अभी आपको बताया, बिना उसके कोई भी इंडस्ट्री रन नहीं कर सकती है। थर्ड है प्रॉक्सिमिटी टू रॉ मटेरियल, रॉ मटेरियल हमें मिलना चाहिए और उसको फिनिश गुड में कन्वर्ट करने के लिए लेबर भी होने चाहिए पास में। कैसे लेबर? चीप लेबर और स्किल्ड लेबर। इसके बाद इन सबको अरेंज किया जाता है पैसों से, और जिस पैसे का इस्तेमाल इंडस्ट्री को सेटअप करने में और बिजनेस को रन करने में किया जाता है, उसे हम कहते हैं कैपिटल। कैपिटल इज़ द मनी विच इज़ यूज टू स्टार्ट अ बिजनेस और यूज टू रन द बिजनेस। लास्ट पॉइंट है हमारा मार्केट, क्योंकि प्रोडक्ट बनने के बाद हम बेचेंगे कहाँ पर? मार्केट में, ठीक है। इसके अलावा ये क्वेश्चन कभी कभी घुमा के पूछा जाता है इस तरह से कि नेम एनी थ्री ह्यूमन फैक्टर्स फॉर द लोकेशन ऑफ एन इंडस्ट्री, थ्री ह्यूमन फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द लोकेशन ऑफ एन इंडस्ट्री। तो यहाँ पर सबसे पहला ह्यूमन फैक्टर यानी इंसानों से जुड़ी हुई तीन चीज़ें हैं। पहला है चीप लेबर, जो इंसान काम करते हैं रॉ मटेरियल पर और उसे कन्वर्ट करते हैं फिनिश गुड में। सेकेंड पॉइंट है मार्केट, क्योंकि लोग ही हैं जो उस प्रोडक्ट को परचेज करते हैं। और थर्ड और लास्ट पॉइंट है ट्रांसपोर्टेशन, क्योंकि लोग ही हैं जो एक सामान को एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाते हैं। ट्रांसपोर्टेशन भी ह्यूमंस के थ्रू ही हो रहा है। इसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, व्हाट आर द बेसिक इंडस्ट्रीज। बेसिक इंडस्ट्री किसे कहते हैं, गिव एन एग्जाम्पल। तो आपको बच्चों हम सिंपल हिंदी में बता दें, बेसिक इंडस्ट्री उस इंडस्ट्री को कहा जाता है जो बाकी दूसरी इंडस्ट्रीज के लिए रॉ मटेरियल प्रोवाइड करती है। एग्जाम्पल के लिए जैसे सपोज आपने कूलर बनाने वाले को देखा होगा, उसके पास स्टील की ढेर सारी चादरें रहती हैं, एल्युमिनियम की ढेर सारी चादरें रहती हैं, जिनको वो काट के कन्वर्ट करता है किसमें, बक्सों में और कूलर में एट्सेट्रा। तो ये जो स्टील की चादरें बनाई गई हैं, ये भी तो ये इंटरमीडिएट प्रोडक्ट में आता है, ठीक है। लेकिन ये होता कैसा है, ये भी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का ही पार्ट है। इसे भी कन्वर्ट किया गया है कास्ट आयरन और कोल को मिक्स करके, या कोल के द्वारा, कोल और आयरन जो है ये रॉ मटेरियल होगा, इससे कन्वर्ट किया हमने इंटरमीडिएट गुड, वो क्या है हमारा फ्लैटेन शीट्स, मेटल की फ्लैटेन शीट्स, और उसको फर्दर हम कन्वर्ट कर रहे हैं फिनिश प्रोडक्ट में, जो कि है हमारा कूलर या अदर मेटल से बनने वाले पार्ट। तो बेसिक इंडस्ट्री वो इंडस्ट्री होती हैं जो दूसरी इंडस्ट्रीज के लिए रॉ मटेरियल प्रोवाइड करती हैं। लिखेंगे कैसे इसे, बेसिक इंडस्ट्रीज आर दोज इंडस्ट्रीज विच सप्लाई रॉ मटेरियल फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ अदर गुड्स, दीज आर ऑल्सो कॉल्ड की इंडस्ट्रीज। इन इंडस्ट्रीज को जो दूसरी इंडस्ट्रीज के लिए रॉ मटेरियल प्रोवाइड करती हैं, उन्हें की इंडस्ट्री भी कहा जाता है। एग्जाम्पल जैसे सीमेंट इंडस्ट्री हो गया, सीमेंट इंडस्ट्री दूसरी जितनी भी इंफ्रास्ट्रक्चरल एक्टिविटीज़ होती हैं, घर बनाना, बिल्डिंग, रोड बनाना, टनल बनाना एट्सेट्रा, इसमें सीमेंट इंडस्ट्री क्या करती है, फिनिश प्रोडक्ट बनाने में मदद करती है। जबकि सीमेंट हमारा किससे बनता है, वो हमारा सिल्का जिप्सम से बनता है, तो वो इसके लिए रॉ मटेरियल है, ठीक है। नेक्स्ट हमने आपको एग्जाम्पल अभी बताया आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, ये पहले रॉ मटेरियल को कन्वर्ट करती है फ्लैटेन शीट में, जो कि कहा जाएगा इंटरमीडिएट गुड, और फिर उसको कन्वर्ट किया जाता है फिनिश प्रोडक्ट में। अब बेसिक इंडस्ट्रीज हमारी दो तरह की हैं, ठीक है। यहाँ पर अगर हम रॉ मटेरियल के हिसाब से बात कर रहे हैं, तो एक है हमारी बेसिक इंडस्ट्री और दूसरी है हमारी नॉन बेसिक इंडस्ट्री। बेसिक इंडस्ट्री क्या करती है, इसी में से आप देखेंगे, रॉ मटेरियल को कन्वर्ट करती है फिनिश प्रोडक्ट में और कम्युनिटी को देती है, यानी कि लोगों तक पहुँचाती है एज अ फिनिश प्रोडक्ट। और जो नॉन बेसिक इंडस्ट्री है, वो लोगों से पैसा लेकर फिनिश प्रोडक्ट लोगों तक पहुँचाती है। नॉन बेसिक इंडस्ट्री और बेसिक इंडस्ट्री को हम डिटेल में समझते हैं साइड बाई साइड कंपेरिजन से। पहला पॉइंट कह रहा है बेसिक इंडस्ट्री का, इंडस्ट्रीज दैट सेल देयर प्रोडक्ट्स और सर्विसेज प्राइमरली टू कंज्यूमर्स आउटसाइड द सेटलमेंट। सेटलमेंट का मतलब है आबादी या पॉपुलेशन। जैसे हम आप लोग हो गए शहर में रहते हैं, तो क्या हम और आप जो हैं वो आयरन या स्टील खरीदने जाते हैं? नहीं, हम लोग आयरन और स्टील से बनी हुई चीज़ें खरीदने जाते हैं, ठीक है। तो इंडस्ट्रीज वो इंडस्ट्रीज
जो अपने प्रोडक्ट्स या सर्विसेज उन कंज्यूमर्स को बेचती हैं जो सेटलमेंट के बाहर हैं। एग्जांपल सिटी फॉर्मिंग, किसी शहर को बनाने में किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, स्टील की, सीमेंट की, अदर रॉ मटेरियल्स की। और सिटी फॉर्मिंग को सपोर्ट करती है कौन, बेसिक इंडस्ट्रीज। एग्जांपल्स इसके क्या होंगे, स्टील, ऑटोमोबाइल्स, टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी जैसे कि अब चिप बन रही है या आईसी बन रही है, मोबाइल का सर्किट हो गया। आप दुकानों में खरीदने तो क्या हम मोबाइल के सर्किट या मोबाइल का मदरबोर्ड खरीदते हैं? नहीं, हम लोग पूरा मोबाइल एज अ फिनिश प्रोडक्ट खरीदते हैं। तो जो मोबाइल के कंपोनेंट हैं, जो इंटरमीडिएट प्रोडक्ट हैं, इनको बनाने वाली कंपनी कैसी होगी, बेसिक इंडस्ट्री। ठीक है, अब यहीं पर देखते हैं नॉन बेसिक को। नॉन बेसिक हमारा कह रहा है इंडस्ट्रीज दैट सेल देयर प्रोडक्ट्स प्राइमरली टू कंज्यूमर्स इन द कम्युनिटी। यानी कि जो हम और आप लोग सेटलमेंट प्रॉपर एक शहर में रह रहे हैं, वो जो प्रोडक्ट खरीदते हैं उनको बनाने वाली इंडस्ट्री कैसी होगी, नॉन बेसिक इंडस्ट्री। जैसे हम लोग आयरन और स्टील से बनी हुई चीज़ें खरीदते हैं, जैसे नेल्स हो गई, प्रेस करने वाला आयरन हो गया, पंखा हो गया, कूलर हो गया, बाइक हो गया, कार हो गया, एट्सेट्रा। ये कैसी हैं इंडस्ट्रीज, ये सिटी सर्विंग है, यानी कि ये लोगों को इस्तेमाल करने वाली चीज़ें बना रही हैं, शहर को चलाने में या शहर को रन करने में हेल्प कर रही हैं। एग्जांपल्स हो जाएंगे इसके, बैंक्स हो गया, ग्रॉसरी स्टोर्स हो गया, कंस्ट्रक्शन हो गया, एट्सेट्रा। ठीक है, इन तीनों ही सेक्टर्स में वो चीज़ें इस्तेमाल हो रही हैं जो इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बनाकर हमें बेसिक इंडस्ट्रीज ने दी थी। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं नेम, ये इसी से रिलेटेड एक छोटा सा क्वेश्चन है, नेम द इम्पॉर्टेंट रॉ मटेरियल्स यूज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सीमेंट। सीमेंट बनाने में कौन से इंपॉर्टेंट रॉ मटेरियल्स यूज होते हैं, उनका नाम बताइए। तो ये आपको याद रखना है, लाइमस्टोन, सिलिका एंड जिप्सम। इनके अलावा भी बहुत सारे कंपोनेंट हैं, याद आपको कैसे रहेगा उसके लिए इमेज है यहाँ पर। सीमेंट हमारा बनता है मैग्नीशियम ऑक्साइड, सिलिकॉन ऑक्साइड, एल्युमिनियम ऑक्साइड, आयरन ऑक्साइड, लाइमस्टोन, एट्सेट्रा। ठीक है, इस फिगर से आपको याद रखने में आसानी होगी। एक बार फिर से देख लीजिए, एल्युमिनियम ऑक्साइड, सिलिकॉन ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, लाइमस्टोन एंड आयरन ऑक्साइड। इसके बाद देखते हैं बच्चों हम एक लॉन्ग क्वेश्चन, जो कई क्वेश्चंस को मिला के पूछा जाता है हमेशा, हाउ आर इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट्स आर डिफरेंट फ्रॉम मिनी स्टील प्लांट। सबसे पहले हम लोग इस क्वेश्चन का आंसर देते हैं कि इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट और मिनी स्टील प्लांट्स में क्या डिफरेंस होता है। लिखेंगे कैसे बच्चों इसको, इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट, दीज आर लार्ज इन साइज। इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट्स जो होते हैं ये साइज में बहुत बड़े होते हैं, क्योंकि इनमें सारे प्रोसेसेस हो रहे होते हैं, जितना भी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है, रॉ मटेरियल को शॉर्ट आउट करने से लेकर फिनिश प्रोडक्ट को पैक करना तक, ये सब यहीं पर होगा। ठीक है, एंड दे ऑल्सो हैंडल एवरी थिंग अंडर वन रूफ। यहाँ पर सारे प्रोसेसेस को हैंडल किया जाता है एक ही छत के नीचे, यानी एक ही जगह पर लाइन बाई लाइन असेंबली के द्वारा। From shorting of raw material to manufacturing of steel, raw material short करने से लेके, यानी raw material procure करना, लाना और फिर उससे finished product बनाना और बनाकर pack करके बाहर भेजना, ये सारा काम कहाँ होगा, एक ही जगह पर। तो ये सब काम एक ही जगह पर हो रहा है तो obviously बात है जगह भी बड़ी होगी और size भी बड़ा होगा। Easy to understand है। ठीक है, अब देखते हैं mini steel plant। These are smaller in size. Mini steel plants, नाम से ही mini है तो size में भी कैसा होगा, small. They usually have an electric arc furnace and use steel scrap and sponge iron as raw material. यहाँ पर मोस्टली एक इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस होती है और ये स्टील स्क्रैप को इस्तेमाल करते हैं और स्पंज को इस्तेमाल करते हैं, ये छीलन होती है बेटा। ठीक है, सपोज़ कभी मेटल वर्क अगर आपने देखा हो तो उसमें बहुत सारा मेटल का स्क्रैप यानी कतरन बच जाती है, छोटे छोटे पीसेस बच जाते हैं जो किसी काम के नहीं होते हैं। स्क्रैप मतलब बचा हुआ भाग या जो वेस्ट मटेरियल होता है। ठीक है, एज रॉ मटेरियल, और इसको फर्दर कन्वर्ट करते हैं किस में, इंटरमीडिएट गुड में या फिनिश प्रोडक्ट में। इसके बाद इसी को थोड़ा और डिटेल में देखते हैं, इमेज से आपको ज़्यादा क्लियर होगा। इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट आप देख सकते हैं लेफ्ट साइड में कितना बड़ा दिख रहा है आपको, कई हाउसेस बने हुए हैं जहाँ पर अदर अदर अलग अलग काम हो रहे हैं, लेकिन सारा काम जो है एक ही जगह पर हो रहा है। जबकि मिनी स्टील प्लांट हम राइट साइड में देखते हैं, एक छोटी सी फर्नेस लगी हुई है और केवल एक तरह का काम ही यहाँ पर हो रहा है।
साइड बाय साइड अगर हम इसका कंपैरिजन करते हैं तो फिर से देखना, यहाँ पर पहला पॉइंट कह रहा है इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट में दीज आर लार्जर स्टील प्लांट्स, जैसा हमने अभी आपको बताया इंटीग्रेटेड हैं, सारे काम एक जगह पर हो रहे हैं इसलिए जगह ज़्यादा चाहिए होगी, साइज इनका कैसा होगा लार्ज। मिनी स्टील प्लांट में पहला पॉइंट देखते हैं दीज आर स्मॉलर स्टील प्लांट, यहाँ पर ज़्यादा फंक्शंस नहीं हो रहे हैं इसलिए कम जगह में ही काम हो जाता है और ये साइज में कैसे रहते हैं स्मॉल। सेकेंड पॉइंट कह रहा है दीज प्लांट्स यूज बेसिक रॉ मटेरियल फॉर मेकिंग स्टील, इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट्स जो है वो बेसिक रॉ मटेरियल का इस्तेमाल करते हैं स्टील बनाने के लिए, यानी कि बेसिक रॉ मटेरियल स्टील बनाने के लिए जैसे कास्ट आयरन हो गया, कोल हो गया एट्सेट्रा, जबकि मिनी स्टील प्लांट में जो रॉ मटेरियल है वो बेसिक नहीं होता है बल्कि जो स्टील का स्क्रैप या स्पॉन्ज आयरन बच जाता है उसका इस्तेमाल किया जाता है स्टील बनाने में, ठीक है। थर्ड पॉइंट कह रहा है दीज प्लांट्स यूज ब्लास्ट फर्नेस, जो इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट्स होते हैं इनमें ब्लास्ट फर्नेसेस पढ़ाई जाती हैं, ये आप केमिस्ट्री में अभी आगे पढ़ोगे, ठीक है। मिनी स्टील प्लांट में जबकि हम लोग इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस का इस्तेमाल करते हैं, अभी हमने आपको बताया, साइड बाय साइड कंपैरिजन अगर आप देखेंगे स्टूडेंट्स तो आपको याद रखने में ज़्यादा आसानी होगी। और लास्ट पॉइंट कह रहा है इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट का दे आर यूजली कॉन्सेंट्रेटेड नियर द सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल, ऑब्वियसली बात है प्रॉक्सिमिटी टू रॉ मटेरियल किसी भी इंडस्ट्री के लिए बहुत ज़रूरी है ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को रिड्यूस करने के लिए, जिससे कि ओवरऑल प्रोडक्शन कॉस्ट जो है वो कम हो जाए। एंड मार्केट ऑल्सो, मार्केट से भी प्रॉक्सिमिटी यानी समीपता होनी चाहिए, क्यों, क्योंकि फिनिश प्रोडक्ट को बेचने हमें बहुत दूर ना जाना पड़े, पास में ही हमें आसानी से लोग मिल जाएँ परचेज करने के लिए चीज़ को। एंड ऑल्सो केटर डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल डिमांड, प्लस डोमेस्टिक घरेलू के साथ साथ यानी देश के अंदर बिकने के साथ साथ विदेशों में भी उसकी डिमांड क्रिएट होनी चाहिए, केटर का मतलब होता है क्रिएट करना या डिमांड को बढ़ाना। लास्ट पॉइंट कह रहा है मिनी स्टील प्लांट में दे आर डिसेंट्रलाइज्ड सेकेंडरी, ये जो है बहुत ज़्यादा विकेंद्रित होते हैं यानी कि अलग अलग बिखरे हुए होते हैं, सेकेंडरी यूनिट्स स्कैटर्ड अक्रॉस द कंट्री, क्योंकि ये स्क्रैप मटेरियल का इस्तेमाल करते हैं इसलिए इनकी प्रॉक्सिमिटी टू रॉ मटेरियल होने की ज़रूरत नहीं है, जो स्क्रैप मटेरियल या स्पॉन्ज आयरन होता है वो आसानी से यहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन के मीन्स द्वारा पहुँचा दिया जाता है अक्रॉस द कंट्री टू मीट लोकल डिमांड, और फिर वहाँ पर जो लोकल डिमांड है उसके अकॉर्डिंग फिनिश प्रोडक्ट बनाकर बेच दिया जाता है। तो आई होप चार पॉइंट्स क्लियर हैं, ये 3 मार्क्स से ज़्यादा में क्वेश्चन आपका नहीं आएगा, इमेज एक बार और ध्यान में रखिएगा, इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट्स एटलीस्ट इतना तो आप लिख ही लोगे कि ये लार्ज इन साइज होते हैं और सारे काम यहाँ पर एक ही जगह पर होते हैं और ये ब्लास्ट फर्नेस का इस्तेमाल करते हैं, जबकि मिनी स्टील प्लांट यहाँ पर सिर्फ एक ही काम होता है इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस में स्क्रैप मटेरियल को डालकर फिनिश प्रोडक्ट बनाना, ठीक है, और साइज में छोटे होते हैं वो तो नाम में ही है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा आज का प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय इंडस्ट्रीज, इंडस्ट्री अगर है तो ऑब्वियसली बात है कुछ प्रॉब्लम्स भी फेस कर रहे होंगे, इसे इस माइंड मैप से देखते हैं। सबसे पहले क्या कह रहा है, सबसे ऊपर से शुरू करते हैं, टू कीप प्रोडक्ट रिलेवेंट, जो प्रोडक्ट कोई भी इंडस्ट्री बना रही है वो लोगों की मांग के अनुसार बना रहे, इसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जैसे हमने देखा होगा टूथपेस्ट का एग्जांपल लेते हैं, टूथपेस्ट पहले कैसा आता था, पाउडर में आता था या एक ही तरह का टूथपेस्ट आता था, लेकिन फिर टूथपेस्ट कंपनियों ने प्रोडक्ट में इंटरेस्ट बनाए रखने के लिए क्या किया, सेंसिटिव के लिए अलग आया, मसूड़ों के लिए अलग आया, दांत के लिए अलग आया, नमक वाला अलग आया, तो यानी प्रोडक्ट को जनता की मांग के अकॉर्डिंग बनाए रखना बहुत ज़रूरी है अगर आप चाहते हो कि आपकी इंडस्ट्री मार्केट में बनी रहे और लोग जो है आपके प्रोडक्ट में इंटरेस्ट लेते रहें। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है एजिंग वर्कफोर्स स्किल्स गैप, एजिंग वर्कफोर्स का मतलब है जो हमारे यहाँ काम करने वाले मजदूर हैं, ऑब्वियसली बात है उनका जैसे जैसे वो काम करते रहते हैं वैसे वैसे उनका एक्सपीरियंस बढ़ता रहता है, लेकिन उनकी एज भी तो बढ़ रही है और एक टाइम ऐसा आता है जब वो इनकम्पेटिबल टू वर्क हो जाते हैं वो, और वो काम नहीं कर पाते हैं। अब जो नए लोग आएंगे ऑब्वियसली बात है उनमें उतनी स्किल्स और उतना एक्सपीरियंस नहीं होगा, इसी को कहा जा रहा है एजिंग वर्कफोर्स एंड स्किल गैप, ये प्रॉब्लम इंडस्ट्री को फेस करनी पड़ती है। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है एनवायरमेंटल कंसर्न, एनवायरमेंटल कंसर्न बहुत ज़रूरी है और इसी के लिए गवर्नमेंट ने ढेर सारी गाइडलाइंस बना रखी हैं जिनको इंडस्ट्री को फॉलो करना पड़ता है। ज़्यादा प्रॉफिट कमाने के लिए हम गवर्नमेंट
की बनाई हुई पॉलिसीज का वायोलेशन नहीं कर सकते हैं, हमें इन्वायरमेंट को भी ध्यान में रखना होगा। देखा होगा आपने जो एयर और वाटर पोल्यूशन है वो मोस्टली इंडस्ट्रीज से निकलने वाले वेस्ट से ही हो रहा है, तो ये कंसर्न, ये इस चीज़ को ध्यान में रखना भी इंडस्ट्रीज़ के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर वो प्रोडक्शन बढ़ाती हैं तो वायोलेशन होता है रूल्स का, प्लस इन्वायरमेंट डिग्रेड करने लगता है। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है टू मेंटेन अ बैलेंस विद आउटपुट। अब ये बहुत बड़ा टर्म है बेटा, ठीक है। जैसे अब कोई सपोज स्वेटर बनाने वाली कंपनी है तो उसे स्वेटर कब बनाने पड़ेंगे? स्वेटर ऑब्वियसली बात है उसे जाड़े से पहले बनाने पड़ेंगे, क्योंकि जाड़े में तो डिमांड ही होगी। अगर वो जाड़े में बनाने बैठेगी तो जब तक वो बनाकर मार्केट में पहुंचाएगी तब तक जाड़ा ख़त्म हो जाएगा, तो स्वेटर उसे जाड़े से पहले बनाने पड़ते हैं। सपोज़ नवंबर में जाड़ा शुरू हुआ तो उसे मार्केट में अपना प्रोडक्ट अक्टूबर तक पहुँचाना है। अब जब किसी चीज़ की डिमांड ही नहीं है मार्केट में, क्योंकि सितंबर अक्टूबर में तो डिमांड है नहीं, जब किसी चीज़ की मार्केट में डिमांड ही नहीं है तो हम प्रोडक्ट जो बना रहे हैं वो इसी अंदाजे पर बनाते हैं कि फ्यूचर में इतनी डिमांड होगी, ठीक है। अब फ्यूचर में कितनी डिमांड होगी इसका सिर्फ अंदाज़ा ही लगाया जा सकता है, इवेल्युएशन किया जा सकता है, लेकिन एक्चुअल में जो डिमांड होती है उससे इवेल्युएशन का मैच कर पाना बहुत मुश्किल होता है। और यही पॉइंट कह रहा है टू मेंटेन अ बैलेंस विद आउटपुट, ऐसा है सारे प्रोडक्ट के साथ में है। जो सीजनल प्रोडक्ट हैं उनके लिए पहले ही गेस किया जाता है या पहले ही इवेल्युएशन किया जाता है कि इतनी डिमांड होगी, और उसी के अकॉर्डिंग आउटपुट जनरेट किया जाता है, उसी के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर किया जाता है, जिससे कि एक बैलेंस बना रहे जो डिमांड है और जो सप्लाई है उसके बीच में। क्योंकि अगर डिमांड कम हो गई और सप्लाई हमने ज़्यादा कर दी तो प्रोडक्ट हमारा वेस्ट हो जाएगा, फिर उसका प्राइस हमें सही नहीं मिलेगा। और अगर हमने प्रोडक्ट कम पहुँचाया और डिमांड ज़्यादा हो गई तो फिर लोगों को मिलेगा नहीं, तब भी कंपनी को नुकसान होगा। तो ये बैलेंस मेंटेन करके रखना बिटवीन डिमांड एंड सप्लाई, इट इज़ अ बिग प्रॉब्लम फॉर इंडस्ट्रीज, स्पेशली फॉर सीजनल इंडस्ट्रीज लाइक स्वेटर या वुलन क्लोथ्स। नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट कह रहा है रेगुलेटरी कंप्लाइंस एंड ट्रेसिबिलिटी। रेगुलेटरी कंप्लाइंस का वही मतलब है नियमों का पालन करना, एंड ट्रेसिबिलिटी जो उसके किए गए काम हैं उनसे किसी को नुकसान ना पहुंचे, ठीक है, एनवायरनमेंट को ना ही किसी इंसान को। रूल्स को फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। एग्ज़ाम में किस तरह से लिखेंगे इस क्वेश्चन को, इसको देख लीजिए, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, 3 मार्क्स से ज़्यादा में नहीं आता है। प्रॉब्लम्स फेस बाय इंडस्ट्री पूछा जाएगा, तो इंडिया में आपको जो प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही हैं वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर। जो भारत में सड़कें हैं और लाइट की व्यवस्था है, एनर्जी सप्लाई है, प्लस जो लेबर है हमारा वो थोड़ा सा कम स्किल्ड है, तो ये सारी प्रॉब्लम्स हैं। लिखेंगे कैसे इसको, पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर यानी ट्रांसपोर्टेशन और इलेक्ट्रिसिटी एट्सेट्रा हमारे पास ज़्यादा अच्छा नहीं है, जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो हमारे पास उतने अच्छे नहीं हैं। सेकेंड पॉइंट है लो इफिशेंसी ऑफ लेबर और वर्कफोर्स, इसे कहा जाता है, देखो बेटा जो वर्कर्स होते हैं हमारे वो 3 तरह के होते हैं, पहले स्किल्ड जिनको सब कुछ आता है, ट्रेनिंग की गई है उनकी प्रॉपर, जैसे कि डॉक्टर, ठीक है। दूसरा वर्कर होता है हमारे पास सेमी स्किल्ड, जिसको ट्रेनिंग तो मिली है लेकिन उसके पास एक्सपीरियंस उतना नहीं है, जैसे कि नर्सेज हो गई, ठीक है, एग्जांपल दे रहे हैं बेटा, ठीक है, जैसे कि नर्सेज हो गई जो सेमी स्किल्ड हैं जिन्हें थोड़ा बहुत काम आता है। और लास्ट वन होता है अनस्किल्ड, अनस्किल्ड वो होता है जिसे ना तो ट्रेनिंग मिली है और ना ही जिसने कोई कोर्स वगैरह किया है, जिसे जिसके पास कोई भी नॉलेज रिलेटेड टू वर्क नहीं है, जैसे कि हो गया जो प्यून हो गया अस्पताल में, ठीक है, अस्पताल की बात करते हैं, हॉस्पिटल की बात करते हैं, डॉक्टर स्किल्ड में आएगा, नर्स जो सेमी स्किल्ड में, और जो वार्ड बॉय या प्यून होता है वो अनस्किल्ड। इंडिया में जो है अनस्किल्ड वर्कर बहुत ज़्यादा है, सेमी स्किल्ड उससे कम है और स्किल्ड तो बहुत ही कम है। अब हमें काम किससे लेना पड़ता है, ऑब्वियस सी बात है जो अनस्किल्ड हैं उन्हीं से काम लेना पड़ता है, और वही अनस्किल्ड धीरे धीरे काम करके जो है वो सेमी स्किल्ड में कन्वर्ट हो जाते हैं। लेकिन जो ये प्रोसेस होता है अनस्किल्ड से सेमी स्किल्ड बनने का, इसमें वो काफ़ी नुकसान कर चुके होते हैं, टाइम का, एनर्जी का, रॉ मटेरियल का, एट्सेट्रा का। तो ये भी एक प्रॉब्लम है जो भारत में इंडस्ट्री को फेस करनी पड़ रही है। थर्ड और सेकेंड लास्ट पॉइंट कह रहा है शॉर्टेज ऑफ द अवेलेबिलिटी ऑफ कुकिंग कोल। इंडिया चूँकि हमें पता है जनरेटर या पेट्रोलियम इतना डेवलप नहीं है, इसलिए इलेक्ट्रिसिटी का मेन सोर्स जो है वो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी या कोल ही रहा है,
और कोल भी हमारे पास अच्छी क्वालिटी का बहुत ज़्यादा अवेलेबल नहीं है, और जो अवेलेबल है उसको एक्सट्रैक्ट करने के लिए, माइन करने के लिए एडवांस टेक्नोलॉजी नहीं है, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा दिक्कत फेस करनी पड़ती है इन गेटिंग द एनर्जी और वी कैन से पावर सप्लाई। लास्ट वन वही पॉइंट रिपीट हो रहा है, लैक ऑफ एनर्जी सप्लाई, चाहे वो हम लैक ऑफ कुकिंग कोल कह दें या लैक ऑफ पेट्रोलियम, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, न्यूक्लियर एट्सेट्रा, किसी भी फॉर्म में एनर्जी हमारे पास बहुत ज़्यादा नहीं है। देखा होगा इसीलिए आए दिन जो नॉर्मली हम लोगों को घरों में बिजली की कटौती का सामना करना पड़ता है, तो इंडस्ट्रीज में भी करना पड़ता है, दोनों ही तरफ है, ठीक है। लेकिन इन सबको दूर करने के लिए सरकार ने बहुत ज़्यादा काम किया है। 1991 में जब इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिफॉर्म हुई थी, उसके बाद से ढेर सारे कदम उठाए गए हैं इंडस्ट्रीज़ के वेलफेयर की तरफ। इस इमेज से आप देख सकते हैं, डिजिटाइजेशन आपको सबसे ज़्यादा दिख रहा होगा, वाईफाई का सिंबल है, एट्सेट्रा है, प्लस ट्रांसपोर्टेशन का बहुत ज़्यादा दिख रहा है, एरोप्लेन है हमारा, ट्रक वगैरह चल रहे हैं, और सोलर एनर्जी और विंड एनर्जी आपको दिख रहा है, यानी कि रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज की तरफ भी हमने अपना बहुत ज़्यादा ध्यान करा है। अब केवल हम नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी जो हैं, जो कन्वेंशनल सोर्स थे हमारे, कोल पेट्रोलियम, उन पर डिपेंडेंट अब नहीं रह गए हैं, बल्कि हमने नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज से हटकर रिन्यूएबल रिसोर्सेज जैसे कि सोलर विंड हो गया, इसकी तरफ भी ध्यान देना शुरू कर दिया है। प्लस आपको यहाँ पर रिसर्च एंड डेवलपमेंट भी दिख रहा होगा, और यहाँ पर कैप लगाए हुए आपको स्किल्ड लेबर भी दिख रहा है। तो ये इमेज बहुत कुछ कह रही है कि इंडिया में आफ्टर 1991 कितने सारे चेंजेस हुए हैं टू इम्प्रूव द कंडीशन ऑफ इंडस्ट्रियल एरिया। कैसे लिखेंगे इसको रीसेंट डेवलपमेंट में? रीसेंट डेवलपमेंट इन द रीसेंट डेवलप इन रीसेंट ईयर्स द पॉलिसी ऑफ लिबरलाइजेशन, लिबरलाइजेशन का मतलब होता है रिडक्शन इन टैक्स एंड गिविंग फ्रीडम टू इंडस्ट्रियलिस्ट टू प्रोक्योर रॉ मटेरियल एंड सप्लाई फिनिश गुड टू द मार्केट ईजली, एंड ऑल्सो फॉरन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। फॉरन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट क्या होता है? जब कोई दूसरा देश हमारे देश में आकर पैसा इन्वेस्ट करता है, बिजनेस स्टार्ट करता है, तो जो पैसा वो इन्वेस्ट कर रहा है हमारे यहाँ, उसे क्या कहा जाएगा? फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। ये जब हमने आपको इन्वेस्टमेंट पढ़ाया था तब बताया था। इन्वेस्टमेंट क्या होता है बच्चों, एक बार रिवाइज कर लीजिए। इन्वेस्टमेंट और एक्सपेंडिचर दोनों में ही पैसा खर्च हो रहा है, लेकिन दोनों में अंतर होता है। एक्सपेंडिचर का मतलब होता है पैसा खर्च करना और पैसा वापस नहीं मिलेगा, या कोई बदले में चीज़ आपको मिल जाएगी, वापस रिटर्न होके पैसा नहीं मिलेगा। जबकि इन्वेस्टमेंट वो होता है जिसमें हम पैसा इस उम्मीद से खर्च करते हैं कि पलट के हमें और पैसा मिलेगा, ठीक है। एग्जांपल इसका समझिए, एक्सपेंडिचर, हम मार्केट में गए, हमने 50 रुपए की आइसक्रीम ली, खाया और चले आए। वही इन्वेस्टमेंट का मतलब होगा, हम मार्केट गए, 50 रुपए की हमने फेविकोल और आइसक्रीम स्टिक ली, घर आकर उससे हमने कोई आर्ट एंड क्राफ्ट बनाया और उसे मार्केट में जाके 75 रुपए में बेच दिया, ठीक है। तो वो जो 50 रुपये हमने इन्वेस्ट किए उससे हमें 75 रुपये वापस मिले, प्लस 25 रुपये प्रॉफिट हुआ, वो 25 हमने अपने खर्चे के लिए रखे, प्लस 50 से फिर से उसे इन्वेस्ट किया। समझ में आया? इन्वेस्टमेंट जब हमें और पैसा कमाने का अवसर मिले, एक्सपेंडिचर जब पैसा कमाने का अवसर ना मिले, ठीक है। ये तो प्रीवियस वीडियोज का पार्ट था। अब जो रीसेंट ईयर्स में पॉलिसीज लिबरलाइज की गई हैं, इंडस्ट्रीज़ को छूट दी गई है व्यापार करने के लिए, प्लस जो विदेशों से आने वाली कंपनियों को छूट दी गई है भारत में निवेश करने के लिए, इन्वेस्ट करने के लिए, इट प्रोवाइड बूस्ट टू आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री। इसने आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री को बहुत ज़्यादा बढ़ावा दिया है, और भारत में आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री का प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। सिर्फ आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री का ही नहीं, सीमेंट इंडस्ट्री हो, टॉय इंडस्ट्री हो, एट्सेट्रा, सभी इंडस्ट्रीज़ का प्रोडक्शन हमें 1991 के बाद से बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ देखने को। लिबरलाइजेशन पॉलिसीज या लिबरलाइज पॉलिसीज एंड FDI, ऑब्वियसली फॉरन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। अब यहाँ पर आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री मेंशन की गई है क्योंकि ये बेसिक इंडस्ट्री है, ठीक है। ये इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए बहुत ज़्यादा, इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, ऑटोमोबाइल हो गया एट्सेट्रा को डेवलप करने के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसलिए इसके बाद वाली लाइन कह रही है, रैपिड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हैज़ लीड टू द ग्रोथ ऑफ डिमांड ऑफ आयरन एंड स्टील। रैपिड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट जो है, इसकी वजह से अब आयरन एंड स्टील की डिमांड में भी बहुत ज़्यादा ग्रोथ देखने को मिल रही है। इसके अलावा अगर हम बात करें रीसेंट डेवलपमेंट की, तो रीसेंट डेवलपमेंट आप इस इमेज से समझ सकते हैं। सब
सबसे पहला पॉइंट क्या कह रहा है, सबसे पहला पॉइंट कह रहा है रॉबस्ट डिमांड। रॉबस्ट डिमांड का मतलब है ह्यूज डोमेस्टिक मार्केट विद अ रैपिडली इंक्रीजिंग मिडिल क्लास पॉपुलेशन। जब भारत में इंडस्ट्रीज को लिबरलाइज किया गया तो ऑब्वियसली बात है नई नई इंडस्ट्रीज सेटअप होना शुरू हो गई। नई इंडस्ट्रीज सेटअप होंगी तो ऑब्वियसली बात है लेबर जो वर्कर्स हैं उनको भी काम मिलने लगेगा। वर्कर्स चाहिए होंगे रॉ मटेरियल को फिनिश गुड में कन्वर्ट करने के लिए, काम करने के लिए। तो लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलने लगा। जब लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलने लगा तो मिडिल क्लास जो था उसके पास पैसा आने लगा और वो पैसा वापस से खर्च करने लगे मिडिल क्लास के लोग उन्हीं इंडस्ट्रीज से बनी हुई चीज़ों को खरीदने के लिए। एग्जांपल, जैसे कोई व्यक्ति है उसके पास कोई पैसे वैसे नहीं है अभी, ठीक है, इंडस्ट्रीज आती हैं, उसे इंडस्ट्री में काम मिलता है और उसे अब सैलरी मिलने लगती है 50,000 रुपये मंथली, ठीक है। जैसे ही 50,000 रुपये मंथली उसे मिलने लगेगी, शुरुआत में क्या करेगा, घरेलू चीज़ें खरीदेगा जैसे फ्रिज हो गया, फिर वो धीरे कार एक्सेट्रा खरीदेगा, फिर वो इंफ्रास्ट्रक्चर एक्टिविटी को भी डेवलप करेगा और बड़ा घर भी बनवाएगा, फिर वो टूरिज्म में भी पैसा खर्च करेगा, टहलने भी जाएगा। तो इस तरह से आप क्या देख रहे हैं, जो मिडिल क्लास पॉपुलेशन है इसकी ग्रोथ हो रही है, लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ रहा है, इनकम बढ़ रही है, जिसकी वजह से एक्सपेंडिचर हो रहा है। वापस पैसा कहाँ लग रहा है, वापस पैसा कहाँ जा रहा है, इंडस्ट्रीज़ में जा रहा है। और इंडस्ट्रीज़ ग्रो करेंगी, इंडस्ट्रीज़ ग्रो करेंगी तो वो और बेटर प्रोडक्ट और सस्ता प्रोडक्ट बनाएंगे जिससे वो और लोगों तक पहुँचेगा, और लोग उसको खरीदेंगे, और लोग खरीदेंगे तो और पैसा जो है वापस इंडस्ट्री में जाएगा और इस तरह से इकोनॉमी हमारी डेवलप करने लगती है। इसके बाद सेकेंड पॉइंट कह रहा है इंक्रीजिंग इन्वेस्टमेंट। इंक्रीजिंग इन्वेस्टमेंट का मतलब है जब इंडस्ट्रीज़ ने देखा कि लोगों के पास पैसा पहुंच रहा है, लोगों की इनकम हो रही है और लोग वापस से खरीद रहे हैं और इंडस्ट्रीज़ ग्रो कर रही हैं, तो ढेर सारी विदेशी कंपनियां प्लस इंडियन मैन्युफैक्चरर्स क्या करने लगे, और ज़्यादा पैसा मार्केट में लगाने लगे। क्या कह रहा है ये लाइन, इन्वेस्टमेंट इन द इंडियन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हैव बीन ऑन अ राइज बोथ डोमेस्टिक एंड फॉरेन। ना सिर्फ घरेलू बल्कि विदेशी कंपनियों ने भी क्या किया है, भारत में इंडस्ट्रीज़ में इन्वेस्ट करना बहुत ज़्यादा शुरू कर दिया है। एंड ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, जो पैसा ओवरऑल हम बात करें कि ओवरऑल कितना पैसा खर्च किया गया है भारत में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में, इंडस्ट्रीज़ के द्वारा कितना पैसा इन्वेस्ट किया गया है, विच रिप्रेजेंट्स नेट इन्वेस्टमेंट, यानी कि टोटल इन्वेस्टमेंट कितना हुआ है भारत में फिक्स्ड एसेट में, इंफ्रास्ट्रक्चर एक्टिविटीज़ में बनाने में, तो वो हमारा हुआ है 43,34,091 करोड़ रुपीज़ फाइनेंशियल ईयर 2020। जो 2020 का फाइनेंशियल ईयर था उसमें 43,34,91,000 करोड़ रुपए, बेटा ये 43, अगर हम राउंड फिगर की बात करें तो लगभग 44,00,000 करोड़ रुपए जो है ये इन्वेस्ट हुआ है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में। इट्स अ ह्यूज अमाउंट, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है पॉलिसी सपोर्ट। जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ हैं वो भी इंडस्ट्रीज के लिए बहुत ज़्यादा फेवरेबल हो गई हैं, क्योंकि जितना ज़्यादा इंडस्ट्री ग्रो करेंगी उतना ही अच्छे प्रोडक्ट मिलेंगे और उतना ही ज़्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। इनिशिएटिव्स लाइक मेक इन इंडिया जो लाया गया, इसके द्वारा क्या हुआ, भारत में ही विदेशी कंपनियां आकर सामान बनाने लगी जिससे भारत के लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिला। भारत के लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा तो इंडिया के लोग क्या हुआ, इनकम उनकी बढ़ने लगी और वो वापस से प्रोडक्ट खरीदकर उन्हीं इंडस्ट्रीज़ को ग्रो करने में मदद करने लगे। एंड ऑल्सो सेक्टर स्पेसिफिक इंसेंटिव्स, हर एक सेक्टर जैसे MSME हो गया, जिसके हेड इस समय कौन है, नितिन गडकरी जी, ठीक है, सूक्ष्म एवं लघु उद्योग विभाग जो है उसके हेड कौन है, नितिन गडकरी जी, परिवहन विभाग भी इन्हीं के पास है, ठीक है। तो इन सेक्टर्स में जैसे मत्स्य पालन हो गया, ठीक है, फिशरीज के अलावा भी जो दूसरे सेक्टर्स थे छोटे, कैंडल हो गया, अगरबत्ती बनाने वाला हो गया, रेशम का हो गया, इन सभी सेक्टर्स में अलग अलग इंसेंटिव यानी कि सरकार द्वारा छूट या लाभ दिया जाने लगा, जिससे कि क्या हुआ, इनको ग्रो करने में हेल्प मिलने लगी। अब सरकार द्वारा अगर टैक्स में रिडक्शन किया जाएगा, इंडस्ट्रीज को टैक्स कम देना पड़ेगा, तो ऑब्वियसली बात है प्रोडक्ट की कॉस्ट भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। प्रोडक्ट की कॉस्ट कम होगी तो वो ईजिली ज़्यादा लोगों तक पहुंच पाएगा। एक फार्मूला होता है, प्राइस इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू डिमांड, जो जनरल कमोडिटीज होती हैं उनके लिए, यानी कि डिमांड ज़्यादा होगी तो इसका मतलब है प्राइस कैसा होगा, कम। अगर प्राइस ज़्यादा होगा तो डिमांड क्या होगी, कम। ये जनरल कमोडिटीज के लिए लागू होता है बेटा, लग्जरी के लिए लागू नहीं होता है फॉर्मूला, ठीक है, याद रखिएगा। लास्ट पॉइंट कह रहा है कंपटीटिव एडवांटेज। जब ढेर सारी मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज आ गई, ढेर सारे लोग जो है मैन्युफैक्चर करने लगे प्रोडक्ट्स को,
तो क्या होगा, कंपटीशन अराइज होगा। पहले सिर्फ कोलगेट आता था, डाबर लाल आता था, अभी के टाइम पे देखो तो पेप्सोडेंट, सेंसोडाइन और ढेर सारे प्रोडक्ट्स आने लगे हैं, जिससे कंपटीशन बढ़ गया है। कंपटीशन बढ़ेगा तो ऑब्वियस सी बात है जो मैन्युफैक्चरर्स हैं उनको अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी बढ़ानी पड़ेगी, प्लस प्राइस कम करना पड़ेगा, जिससे अल्टीमेट एडवांटेज किसको मिलेगा, जनता को यानी कंज्यूमर्स को। क्या कह रही है इसमें लाइन, इंक्रीजिंग शेयर ऑफ यंग वर्किंग पॉपुलेशन एंड इंडिया कैन अचीव इट्स फुल मैन्युफैक्चरिंग पोटेंशियल एज इट लुक्स टू बेनिफिट फ्रॉम इट्स डेमोग्राफिक डिविडेंड। डिविडेंड होता है बेटा जो लाभ मिलता है, ठीक है, एंड अ लार्ज वर्कफोर्स ओवर द नेक्स्ट 2 or 3 डिकेड। अगले 20 से 30 साल में हमें बहुत ज़्यादा वर्कफोर्स जो स्किल्ड मिलेगी, जिससे हमारा प्रोडक्ट का कॉस्ट कम रहने के चांसेस हैं, प्लस प्रोडक्ट की क्वालिटी भी इंक्रीज होने की पॉसिबिलिटी बनी रहेगी। तो ये थे बेटा जो इनिशिएटिव्स लिए गए हैं इंडस्ट्रीज़ को बेटर बनाने के लिए, इंडस्ट्रियल कंडीशन को सुधारने के लिए। इसके बाद मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए टॉपिक्स के साथ इसी चैप्टर के। टिल देन रिवाइज करिए, कोई क्वेश्चन हो, डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।